व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर मैं आ गई हूँ, वो है हैदराबादी तवा पसंदे। तो ये मैंने बीफ, 1 किलो बीफ ले लिया है, इसके मैंने पतले पतले स्ट्रिप्स बनवा लिए हैं, आप भी इस तरह के पतले बनवा लीजिएगा। मैं भी बताती हूँ, इंग्रीडियंट्स चाहिए हमें वो है, मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को ब्राउन कर लिया है, इसके अलावा जो अदर स्पाइसेस हैं वो हैं 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 2 टेबलस्पून डेजिकेटेड कोकोनट, मैंने इसको भून लिया है, और 10 से 12 बादाम, इसको भी मैंने भून लिया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 to 4 टेबलस्पून योगर्ट और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये सारे मसाले हो गए हैं, मैं ये कोकोनट और आलमंड को पीस लूँगी और प्याज को भी मैं पीस लूँगी। ये जो पसंदे थोड़े से मोटे हैं मैं उसको पाउंड कर लूँगी, इससे ये हैमर आपके पास है तो इससे कर लिए, वरना किसी बेलन वगैरह से आप कर सकते हैं। ऑयल डाल दूंगी जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी, वही वाला ऑयल मैं डालूंगी। अच्छा, इसमें पपीता भी डालना है, लेकिन मैं एक दिन पहले मैरिनेशन कर रही हूँ, रात का वक्त है अभी, कल मैंने बनाना है, ओवरनाइट मैं इसको मैरिनेट करूंगी, तो पकाने से 2 से 3 घंटे पहले मैं इसमें पपीता ऐड कर दूंगी। अगर पपीता नहीं है तो मीट टेंडराइजर भी आप यूज कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून। अच्छा जी, नेक्स्ट डे हो गया है और मैंने ये पैन ले लिया है तवा टाइप, और इसमें हम बनाएंगे अपने पसंदे। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूंगी। इसको कवर करके रख दिया है, तकरीबन देखते हैं कितने मिनट में ये गलेगा, तकरीबन 1 घंटा तो इसमें लगेगा गलने में, और फिर आपको दिखाते हैं। मैंने जरा सा पैन चेंज किया है क्योंकि वो 1 किलो पसंदे उस तवे पे नहीं आ रहे थे, तो मैंने इसको ग्रिल पैन में डाल दिया है। जब इसका पानी वगैरह सब खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं तवे के ऊपर 1 by 1 करके फ्राई करूंगी। अभी इसको 15 से 20 मिनट हो गए हैं, देखें इसने पानी छोड़ दिया है, ये पानी थोड़ा सा ड्राई होगा काफी सारा, और ये गल जाएंगे पसंदे, तो फिर मैं इसको तवे के ऊपर फ्राई करूंगी। ये इसका सारा पानी खुश्क हो गया है, अब मैं इसको तवे पे फ्राई कर लूंगी। ऊपर हम अब कोयले का धुआं दे देंगे, ये मैंने फॉइल पेपर रख दिया है, कोयला मैंने बर्न करने के लिए रख दिया है, इसके अंदर हम कोयले का धुआं दे देंगे। हमारा
हमारा तवा पसंदीदा बन के रेडी हो गया है। इसको मैंने तवे में ही सर्व किया है और इसको आप पहले पैन में अच्छी तरह से गलाएंगे, उसके बाद फिर फ्राई करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ एक और मज़ेदार सी हैदराबादी रेसिपी लेकर आ गई हूँ मैं। कुल्फा दाल, ये बनता है जी बहुत ही मज़े की। ये दाल होती है, इसमें मैंने ले लिया है एक पाव चने की दाल और दो कप आप ले लें कुल्फा की भाजी। दो मैंने दरमियाने साइज के टमाटर ले लिए हैं, इमली का पल्प ले लिया है। इसके अलावा नमक, हल्दी और लाल मिर्च ये डाल के मैं चढ़ा दूंगी कुकर में। इसमें एक बॉईल आएगा तो मैं इसके लिड लगा दूंगी और 5 से 7 मिनट में ये गल जाएगा। बॉईल आ गया है, इसमें मैं लिड लगा दूंगी अब। अच्छा जी, 10 मिनट हो गए हैं, इसको खोल लेती हूँ मैं। इसको आपने मशीन में नहीं पीसना है, इसमें चंक्स आने चाहिए थोड़े से चने की दाल के। थोड़ा थोड़ा सा इसको हम घोट लेंगे, मोटा मोटा सा। हम इमली का पल्प डाल देंगे, जितना आप खट्टा पसंद करें उतना डाल दीजिए। तो जिस मैंने इसको घोट लिया है और इसमें इमली का पल्प डाल दिया है थोड़ा खौला के, मैं इसमें कड़ी पत्ता डालूंगी और हरी मिर्च डालूंगी, उसके बाद फिर हम बघार देंगे। हमारी ये दाल हो गई है, उसके बाद मैंने 10 मिनट के लिए कुक किया था। अब मैं इसके ऊपर बघार डाल दूंगी।